हे एवरीवन, आज हम लोग आए हैं बहुत ही प्यारे प्लेस में घूमने के लिए। हमारे एक साइड में नदी बह रही है और यहाँ पीछे समुद्र है, और इन दोनों के मीट पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे बैठे हुए। हम लोगों ने अपना संडे एंजॉय किया, बहुत सारी मस्ती की, और यहाँ का हमने जो भी लोकल शॉप है वहाँ से हमने खाई दही पूड़ी और मसाला पूड़ी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। सो इसी रेसिपी को हम भर्ती किचन में फिर से रिक्रिएट करेंगे और आप सबों के साथ में ये रेसिपी भी फिर से शेयर करेंगे। वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़े हम तो हमें मिल गई ये पुराने शिप, जो कि 2021 में यहाँ पे आकर के फंस गई थी, एक्सीडेंट हो गया था। तो चलिए अभी हम रेसिपी देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने ले लिया है एक कुकर, और इस कुकर में डाल देंगे एक कप भिगोए हुए वाइट मटर। आप चाहे ना तो यहाँ पे ग्रीन वाले मटर भी ले सकते हैं। और इसमें फिर डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, एक तेज पत्ता, और हाफ टी स्पून मैंने हल्दी डाल दिया है। साथ में डाल देंगे दो मीडियम साइज के कटे हुए आलू, और पानी डाल देंगे यहाँ पे 2 से 2.5 कप। अब बस लिड लगा करके 4 से 5 विसिल लगा लेना है हमें कुकर में, जब तक कि चना और आलू जो है वो अच्छे से गल ना जाए, और जब तक यहाँ पे हम मसाले के लिए तैयारियाँ कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे 1 टेबल स्पून धनिया, धनिया के बीज। इसी में डालेंगे 1/2 टी स्पून साबुत जीरा, ये मैं चाट मसाला बना रही हूँ। साथ में डाल देंगे 8 से 10 काली मिर्च, और साथ में डालेंगे 6 से 7 लौंग, और यहीं पे डाल देंगे 1/2 मेस, 1/2 इंच दालचीनी का टुकड़ा। और इन सबको ना बहुत ही लो फ्लेम पे हमें 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है, ताकि मसाले में से अच्छी सी बस खुशबू आने लग जाए, इतना ही हमें भूनना है। इसके बाद हम इसमें और थोड़ी सी चीज़ें मिलाएंगे। यहाँ पे मुझे एक लाल मिर्च भी डालनी थी, बट मैं भूल गई, तो मैंने बाद में फिर से अलग से उसे रोस्ट करके इसमें मिक्स किया है। आप देखेंगे वो वीडियो में, मैं आगे दिखाऊंगी आपको। और यहाँ पे अब कढ़ाई में 1 टीस्पून ऑयल डाला है मैंने। अब ऑयल के गर्म होने के बाद डाल देंगे यहाँ पे 1/2 टीस्पून सौंफ, और इसी के साथ यहाँ पे डाला है मैंने 8 से 10 लहसुन की कली, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, और यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे। और ये जो रेसिपी मैं बना रही हूँ आज ना, ये मैंने वहीं भैया से पूछा था। और यहाँ पे अब डाल दिया है मैंने 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज, और प्याज को ना बहुत ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा भूनना है। और यहाँ पे 4 से 5 हरी मिर्च भी मैंने डाल दी है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हो आराम से। यहाँ पे जब तक प्याज भून रहा है ना, तब तक हमने जो मसाले भुने थे ना चाट मसाला बनाने के लिए, वो थोड़े से ठंडे हो गए हैं, तो अब हम उसे ग्राइंड कर लेते हैं। जैसा कि आपने मैंने बताया था आप लोगों को कि यहाँ पे मुझे एक लाल मिर्च भी डालनी थी, बट मैं भूल गई थी, तो यहाँ पे अब मैं उसे फिर से अलग से रोस्ट करके मिक्स कर रही हूँ, आप साथ में रोस्ट कर लीजिएगा। साथ में डाल देंगे 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून डाल देंगे नॉर्मल नमक, और थोड़ा सा मैंने काला नमक भी ऐड किया है, और पीस लेंगे इसे। यहाँ पे हमारा चाट मसाला बिल्कुल रेडी है। तो अभी प्याज भी अच्छे से भून गया है, हमें प्याज को बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद ही हम इसे ग्राइंड करेंगे, तो फटाफट से इसे ठंडा कर लेते हैं थोड़ा सा। इसके बाद हम इसे एक ग्राइंडिंग जार में निकाल लेंगे, और जार में निकालने के बाद इसमें अभी और थोड़ी सी चीज़ों को हमें मिक्स करना है, इसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पे सारे प्याज और अदरक लहसुन मिर्च को मैंने निकाल लिया है ग्राइंडिंग जार में। अब डाल दिया 1 मुट्ठी भर के धनिया और पुदीना के पत्ते, और इसे ग्राइंड कर लेंगे। अब सेम कढ़ाई में ऑयल बिल्कुल भी नहीं डाला है मैंने, बस डायरेक्ट ही पेस्ट डाल दिया जिसे हमने अभी ग्राइंड करा था ना। ये मसाला आप देख सकते हैं, इसमें कलर बहुत ही अच्छा आया, बहुत ही अच्छा ये ग्रीन कलर के मसाले बन करके तैयार हुए हैं। मैंने बोला था ना, आप चाहे तो ये वाइट के जगह ग्रीन वाले मटर भी ले सकते हैं। भैया ने मुझे बताया कि लोग दोनों ही तरह के मटर से बनाते हैं। यहाँ पे मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग फिर से नमक डाल दिया है, साथ में डाला है 1/4 टीस्पून गर्म मसाला। अब मसाले तो अच्छे से हमने पहले ही भून लिए थे, अदरक लहसुन वगैरह को तो ज़्यादा भूनने की ज़रूरत है नहीं। और यहाँ पे चने भी अच्छे से गल गए हैं, आलू भी अच्छे से गल गया है, तो इसमें से ना जितने आलू के टुकड़े हमने डाले हैं ना, उसे अच्छे से मैश कर लेंगे, ताकि ये जो मिक्सचर है ना अच्छा सा थिक सा हो जाए, गाढ़ा सा हो जाए। और 1-2 आलू ऐसे भी रह जाए तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि चाट में तो आलू अच्छा लगता ही है हमेशा, तो थोड़े से लेकिन आलू और मटर को यहाँ पे मैश कर लेंगे। और ये काम ना आप गर्म में ही कर लीजिए, ताकि आलू और मटर को मैश करना काफ़ी इजी हो जाता है गर्म में। तो मैंने इसी तरह से थोड़े से आलू और थोड़े से मटर को मैश कर लिया, और ये 1 तेज पत्ता जो मैंने डाला था इसे निकाल के मैं बाहर रख रही हूँ।
और अब यहाँ पे डाल देंगे हमने जो मटर को बॉईल करके रखा था आलू के साथ में, ये डाल देंगे। अब ये काफी थिक है तो जिस ग्राइंडिंग जार में हमने मसाला पीसा था ना, उसी में थोड़ा सा पानी डाल करके और अच्छे से मसाले को क्लीन करते हुए हम डाल देंगे इसमें, और आराम से 8 से 10 मिनट के लिए इसे हम बॉईल होने देंगे ताकि मसाले का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए चने के अंदर। आप देख सकते हैं ये कितना थिक है। अगर आप ग्रीन वाले मटर से बनाओगे ना तो भी वो बॉईल होने के बाद लगभग इसी कलर के दिखेंगे। मेरे पास ग्रीन वाले मटर नहीं थे, आपके पास हो तो आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमने चाट मसाला तैयार करा था ना, लगभग 1/4 टीस्पून यहाँ पे मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ ताकि इससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए। और बस 8 से 10 मिनट के लिए इसे बॉईल कर लेना अच्छे से। मुझे भैया ने जैसा जैसा बताया था मैंने उसी अकॉर्डिंग इसे बनाया है, और जिनको भी मैंने ये खिलाया चाट उन सबको तो बहुत पसंद आया। आई होप आप सबको भी रेसिपी जरूर अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे ना अब मैंने ले लिए हैं गोलगप्पा वाली पूड़ी, और ये पूड़ियाँ जो है ना मैंने घर पे ही बनाई हुई थी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर से कमेंट में बताइएगा, मैं शेयर करूँगी। इसके ऊपर से डाल देंगे गर्मा गर्म जो हमने छोले वाले मिक्सचर बनाया ना उसे डालेंगे, और साथ में यहाँ पे ऊपर से डाल देंगे ग्रीन चटनी। इसकी रेसिपी मैंने नहीं डाली है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा है। तीखी मीठी चटनी डाला है मैंने यहाँ पे, ये इमली की चटनी है, थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज स्प्रिंकल किए हैं, धनिया के पत्ते, और जो चाट मसाला हमने तैयार करा था ना उसे यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी में स्प्रिंकल करेंगे। इसी से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाएगा, और बिल्कुल यहाँ पे हम भूलेंगे नहीं क्योंकि हमने चाट बनाई है तो चाट की तो जान होती है ये नायलॉन वाले सेब। इसे डाल करके अच्छे से इसे गार्निश कर देंगे तो हमारी मसाला पूरी बन करके बिल्कुल तैयार है, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। सच्ची मानिए, मेरी बात मान करके एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही कम तेल मसाले में बन जाती है। तो देख रहे हो ना आप मेरे चेहरे की हंसी, मुझे तो चाट वगैरह वैसे ही बहुत पसंद है। अब यहाँ पे मैं आपको दही पूरी भी बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे 5-6 पूरियाँ मैंने ले ली हैं और इसे इस तरह से छेद कर दिया है, और यहाँ पे अब ना थोड़ा सा छोला भी हमारा ठंडा हो गया था और यहाँ पे डाल देंगे इसके बाद हम फिटी हुई दही। दही को मैंने फेंट लिया है हल्की सी चीनी डाल करके, और अच्छी क्वांटिटी में हम दही को भर देंगे। और इसमें मैंने मीठी चटनी नहीं डाली है, सिर्फ ये ग्रीन चटनी ही डाली है। ऊपर से डाला है मैंने यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज, धनिया के पत्ते और नायलॉन सेब, और ये हमारी दही पूरी भी बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है। और मैंने ऊपर से और थोड़ी सी दही डाल दी इसके अंदर, ये देखिए आप मुझे कितना मज़ा आ रहा है। मुझे चाट वगैरह ना बहुत पसंद है, खास करके घर पे अगर बनाओ तो और भी मज़ा आता है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ गई थी घूमने। आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट ने जो भी क्लीन बीच है उन्हें ब्लू फ्लैग का टैग दिया है, तो मैं गई थी ब्लू फ्लैग बीच। मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, और आप देख सकते हो बीच जितना खूबसूरत है ना उतना ही ज़्यादा खूबसूरत है ये रास्ते। तो हमें तो बहुत मज़ा आया रास्तों में भी, और बीच पे तो आपने देखा ही कि हमने कितनी मस्ती की। तो अगर आप घूमने में इंटरेस्ट रखते हो ना तो यहाँ पे आप जा सकते हो। अगर आप नियर बाय में रहते हो, यहाँ बैंगलोर या बैंगलोर के पास रहते हो, तो आप आराम से आ सकते हो घूमने के लिए। बहुत मज़ा आता है यहाँ पे फैमिली के साथ संडे बिताने में। और जैसा कि आप देख रहे हो कि मौसम भी काफ़ी अच्छा था, तो इसलिए हम लोगों का मज़ा जो था ना वो डबल ट्रिपल हो गया था। और मेरी बेटी ने यहाँ पे बहुत 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 एंजॉय किया, उसे बहुत मज़ा आया। तो अगर आपको रेसिपी ही देखनी है तो आप वहाँ तक देख सकते हो, और अगर आप घूमने में इंटरेस्ट रखते हो, आपको बीचेस पसंद है, तो आप ये आगे की वीडियो ज़रूर देखिए। वैसे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि रेसिपी ही नहीं आगे की पूरी वीडियो भी आप देखिए, क्योंकि आपको बहुत मज़ा आएगा इसे देख करके, और आपको आइडिया भी लग जाएगा। अगर आप पास में रहते हो ना तो यहाँ पे आप घूमना चाहो तो आकर के अपना संडे आराम से एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और अगर अभी जैसा मौसम है ना ऐसा ही मौसम रहे तो इस मौसम में आप ज़रूर से अगर पास रहते हो तो आइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आप देखिए बादल कितने अच्छे लग रहे हैं, और थोड़ी थोड़ी सी बारिश भी हो रही थी। मुझे तो ड्राइव करने से ज़्यादा मज़ा बाहर देखने में आ रहा था, बट ड्राइव करते वक्त इधर उधर देखना नहीं चाहिए, तो मैं ज़्यादा रास्ते पे ही ध्यान दे रही थी।
और मैंने जो भी मुझे जगह पसंद आई, मैंने चाहा कि मैं आप सबके साथ उसे शेयर करूं। मुझे जो अच्छा लग रहा था, मुझे लगा कि मुझे आपको भी बताना चाहिए, ताकि अगर आप भी नियर बाय में रहते हो तो आप भी यहाँ आ सको, और जितना हमने मज़ा किया ना, उतना ही मज़ा आप भी कर सको। और यहाँ पे ना अच्छी वाली बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने अपनी बेटी के ऊपर अपना दुपट्टा डाल दिया ताकि वो भीग ना जाए, बट बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, फिर हमें छुपना पड़ा। और यहाँ पे मैं बार बार अंदर बाहर करके देख रही थी कि क्या क्या देखने जैसा है और मुझे क्या क्या आप लोगों के साथ शेयर करना है। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी यहाँ आकर के, और मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ पहले क्यों नहीं आई, अगर मैं पहले आई होती तो आप लोगों के साथ इसे पहले भी शेयर करती तो कितना मज़ा आता। खैर कोई बात नहीं, अब तो सारे बीचेस भी खुलने वाले, अभी तो ये बीच खुला नहीं है, हमें पानी के ज़्यादा पास जाने नहीं दे रहे थे, बट थोड़े दिन में ये खुल जाएगा, आप पानी में भी जा सकते हो आराम से। और यहाँ पे मैं मेरी बेटी के साथ पूरी मस्ती में भाग भाग करके घूम रही थी, और मेरे हस्बैंड मेरे पीछे पीछे कैमरा लेके जा रहे थे। कहीं कहीं पे मैंने खुद से कैमरा लेकर के किया, बट मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी। और यही है वो छोटा सा कैंटीन बोल लो या रेस्टोरेंट बोल लो, जो भी बोल लो, ये वही जगह है जहाँ पे हमने दही पूरी और मसाला पूरी खाई। और यहीं के भैया से मैं बाद में गई धीरे धीरे जा करके, उनसे उनकी रेसिपी लेकर के, और घर पे मैंने ट्राई करके आप सबको दिखाया। और ये रेसिपी मैंने आप सबके लिए ही उनसे पूछी थी, क्योंकि मुझे लगा कि इतनी टेस्टी है तो आप सबके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूं। और ये फ्रेंच फ्राइज़ हमारे जो फ्रेंड थे उन्होंने लिया था, तो मैंने बस फ़ोटो के लिए उनके हाथ से ले लिया था। और ये बोट आप देख रहे हो ना, हमने यहाँ पे बोटिंग भी की। मुझे बहुत अच्छा लगता है बोटिंग करना, लेकिन मुझे पता नहीं था कि जब हम बोटिंग करने जाएंगे तो मेरी बहुत बुरी हालत होने वाली है। मैंने सोचा कि ये इतना ही इजी है जितना कि गाड़ी ड्राइव करना। जब बोटिंग करने बैठे तो पता चला कि अच्छा पैडल करने में कितनी मेहनत लगती है। जब हम जा रहे थे ना बोटिंग करने को, तो ना हम ना जिस साइड से नदी हमारी बह रही थी ना, उसके अपोजिट में जा रहे थे, तो बहुत ज्यादा ताकत लग रही थी इसे पैडलिंग करने के लिए। और रिटर्न आना तो काफी इजी था, हमने बहुत जल्दी जल्दी ही इसलिए खत्म कर लिया, बहुत ज्यादा बोटिंग की ही नहीं, हमें आधा घंटे का टाइम मिला था, बट हम 8 से 9 मिनट में ही रिटर्न आ गए, क्योंकि पाव जाम हो गए थे। जिनके भी बोटिंग कर रहे थे उन सबके पाव जाम होते जा रहे थे, और आप बीच में चेंज भी नहीं कर सकते हो साइड ना, तो इसलिए हमने बस 8-9 मिनट में ही बोट को टर्न कर लिया और हम वापस आ गए। बट ये 8-9 मिनट ही मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट थे, क्योंकि आप देख सकते हो मैं कितनी ज़्यादा परेशान हो रही थी, और ना मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इसे इधर उधर करूं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग ये छोटी वाली बोट में भी जा रहे थे, पता नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैंने ये बड़ी वाली बोट ली थी। और क्योंकि मेरी बेटी भी छोटी है, तो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं छोटी बोट में जाऊँ, उसके लिए थोड़ा सेफ नहीं था, इसलिए मैंने ये वाली बोट ली। और अब ये रास्ता सीधा वहां जा रहा है जहां से कि हम जाएंगे, और हमें दिखाई देगी कि एक साइड से नदी बह रही है और एक साइड से हमारा जो समुद्र है वो। ये काफी प्यारा था व्यू, इसीलिए मैं यहाँ से गई, और बहुत कम लोग थे उधर, फिर भी मुझे जंगल देख करके इतना डर लगता है, फिर भी मैं जा रही थी, क्योंकि मुझे देखना था कि कैसा दिखता है ये नदी और समुद्र एक जगह पे जब मिलते हैं तो। बट अभी क्योंकि बारिश का टाइम है ना, तो उनका मतलब इस रास्ते का जो एंड पॉइंट है ना, उसे क्लोज करके रखा था। बट ये रास्ते में जो साइड साइड में पेड़ पौधे थे ना, मेरी बेटी को इतने अच्छे लग रहे थे कि मम्मा ये लीफ तोड़ दो, मम्मा वो लीफ तोड़ दो, वो इतना बोल रही थी। और सारे पत्तों पे बारिश का पानी था, तो जब पेड़ को टच कर रहे थे तो उसमें से पानी गिर रहा था, और उसे बहुत मजा आ रहा था। मुझसे ज़्यादा वो एक्साइटेड थी, और इतना घूमने के बाद भी वो थक बिल्कुल भी नहीं रही थी। मैंने बहुत कम देर के लिए उसे गोद में उठाया, क्योंकि बच्ची है ना तो डर लगता है ज़्यादा थक ना जाए। और उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि उसे पानी में नहीं खेलने दे रहे, उसे बीच पे घूमना पानी में जाना बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे इतना अच्छा मौसम था कि हमारा तो मन ही नहीं कर रहा था कि हम घर भी वापस जाएं, और जितना ज़्यादा हो सके उतना टाइम हमने वहाँ पे बिताया। बट अंधेरा जब होने लगा, फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, अब हमें घर की ओर चलना चाहिए, क्योंकि हमारे घर से लगभग 35 किलोमीटर दूर थी ये जगह। इसलिए हम लोगों ने बस शाम होते ही यहाँ से निकलने का तैयारी कर लिया,
और यहाँ पे घूमते घूमते मुझे काफी प्यास भी लग रही थी, तो मैं बार बार पानी पी रही थी और अपनी बेटी को भी पिला रही थी। बस अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से वापस, तो निकलते निकलते मैं एक बार आपको दूसरे साइड से दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अंदर आने के दो रास्ते थे, तो मैंने जानबूझ करके एक रास्ते को चुना अंदर आने के लिए और दूसरे रास्ते को चुना बाहर निकलने के लिए, ताकि आपको दोनों ही साइड से दिखा दिया जाए। और यहाँ पे काफी अच्छे मतलब फैसिलिटी है। और ये जो आप वेल का स्कल देख रहे हो ना, ये 100 ईयर्स पुराना है, मुझे पता ही नहीं था कि ये क्या है। बाद में मैंने यहाँ पे पढ़ा, अच्छा ये वेल का है और ये 100 ईयर्स पुराना है। तो फिर मेरी बेटी इसके पास ही नहीं आ रही थी, उसे डर लग रहा था, तो मैं यहाँ उसे टच करके दिखा रही थी कि देखो इसे कुछ नहीं होता, टच कर सकते हो। और फिर मुझे पता चला कि अच्छा यहाँ पे पीछे घूम के रास्ता है जिससे हमें बाहर निकलना है, तो मैं पीछे से घूम करके निकल रही थी और मेरी बेटी सामने से ही निकल चुकी थी। मेरे फ्रेंड थे उनके साथ वो निकल गई थी, और हमें गार्ड ने बोला कि नहीं आपको पीछे से घूम के जाना होगा, तो मैं पीछे से घूम के निकल रही थी। और मुझे अच्छा ही लगा कि चलो इधर का भी रास्ता हम लोगों ने देख लिया। और जैसे ही हम लोग आगे बढ़े ना, थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें दिखी ये शिप, जो कि 2021 में शायद यहाँ आके फंस गई थी। और हमने जैसे ही इसे देखा, हमने मन बना लिया कि अब हमें भी इसके अंदर जाना है। तो पहले तो पता ही नहीं चल रहा था कि कैसे जाना है, फिर बाद में मैंने देखा कि कुछ लोग तो इसके अंदर है, फिर मैंने सोचा चलो इसके पीछे साइड से जाके देखते शायद रास्ता हो जाने का। और मुझसे ज्यादा तेजी तो मेरी बेटी को थी, उसे जाना था शिप के अंदर। उसने बोला मम्मा ये टाइटेनिक है, और यहाँ पे मैं चेन पकड़ के प्रिटेंड कर रही थी कि मैं शिप को पानी से खींच के बाहर निकाल रही हूँ, बचा रही हूँ। और मेरी बेटी बहुत हंस रही थी, उसे बहुत मजा आता है ये सब करने में। और जैसे ही मैंने आगे पाँव बढ़ाया, ये देखो कितनी बड़ी सी लहर आई थी, पर मैं पानी में भींगना नहीं चाह रही थी। और ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, इसलिए मेरी हिम्मत भी हो रही थी कि मैं इतनी आगे जाके खड़ी हो सकूँ, वरना मुझे डर लग रहा था। और मेरी बेटी को पानी में भींगने का बस बहाना चाहिए होता, वो पानी के पास जाया जा रही थी। मैंने उसे बहुत ही टाइटली पकड़ कर रखा था, वरना वो सीधा भाग करके नीचे भागती पानी में जाने के लिए। और मुझे इतना मजा आ रहा था इस शिप को देख के, स्कूल की याद आ रही थी जब हमने टाइटेनिक वाला चैप्टर पढ़ा था। मैं हर जगह पे जा जा करके घूम घूम के टच कर करके एक एक चीज को देख रही थी, ये शिप कैसा होगा, ये शिप इतना बड़ा था फिर ये कैसे एक्सीडेंट हो गया, और कैसे ये ऐसा हो गया, पता नहीं कितने लोग होंगे इसमें, क्या होता होगा इसमें। और मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा था, मैं एक एक चीज पूछ रही थी, इसमें वायर है, इसमें लाइट्स है, इसमें चेन है, ऐसा क्यों है। और मेरे सवाल से ना मेरे फ्रेंड्स और मेरे हस्बैंड काफी परेशान हो रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं चलो तुम यहाँ से, बहुत ज्यादा हो गया, अभी शिप तुमने बहुत देख लिया, चलो अभी तुम्हारा टाइटेनिक का फीवर उतारो और यहाँ से निकलो, क्योंकि काफी टाइम हो रहा है, घर भी जाना है। तो बस थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ मेरी नजर जा सकती थी मैंने हर चीज देखा, और आपके लिए हर चीज को मैंने कवर भी करने की कोशिश की है। बट यहाँ पे क्या था ना, मुझे पीछे जाने में थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा स्लिपरी लग रहा था, इसलिए मैं फटाफट से अपनी बेटी को लेके यहाँ से निकल गई।